हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हम कंसीडर करते हैं जब हम एयरपोर्ट के साइट का सिलेक्शन कर रहे होते हैं। समझने की कोशिश करिएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिनको हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर जिनको नहीं करना है उनकी बात ही नहीं हो रही है। साइट के सिलेक्शन के टाइम पे वो कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होने वाले हैं। अभी तक हमने किसकी बात की कि कौन कौन से साइट सिलेक्शन, एयरपोर्ट के साइट के सिलेक्शन के लिए कौन कौन से हमने अलग अलग सर्वे किए हुए हैं। तो हमने तो अलग अलग सर्वे तो कंसीडर कर लिया, बट बहुत सारे ऐसे सर्वे हैं और उन सर्वे के अंदर जो भी हमने पढ़ा वही फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो आइए एक एक करके उनको लिखते हैं और वो क्या क्या होंगे समझने की कोशिश करते हैं। हर एक फैक्टर को हम अलग से टाइम देंगे, अलग अलग लेक्चर के अंदर हर एक फैक्टर को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है आपका, एटमॉस्फेरिक एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। क्या एटमॉस्फेरिक एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हमने बात की थी मेट्रोलॉजिकल सर्वे के अंदर। दूसरा फैक्टर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, अच्छा क्या लैंड की अवेलेबिलिटी होगी। अच्छा इसको इस तरीके से लिख लें कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर एक्सपेंशन पर्पस, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन। क्या हमारे पास वो लैंड होएगी कि हम कल को आगे चल के अगर मेरा ट्रैफिक बढ़ा तो मैं उसको बढ़ा सकूं। तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज। परेशान किसी को नहीं होना है, आज हम इन टॉपिक्स को जानेंगे, इन हेडिंग्स को जानेंगे, उसके बाद हर एक हेडिंग्स को हम अलग से डिफाइन करेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द सराउंडिंग एरिया, डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग एरिया, डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग एरिया। उसके बाद इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्या होएगा एक फैक्टर, इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन, इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, ये आरजीबीवी के एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट, ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी, ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अलग अलग लेक्चर्स के अंदर इसको डिफाइन करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आपको फैक्टर्स पता चले होंगे। सिर्फ फैक्टर्स पता होना ही जरूरी नहीं है, इसको डिटेल में जानना जरूरी है, तब जाके आप एयरपोर्ट के साइट के सिलेक्शन के अंदर इन चीजों को कंसिडर कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।